फिर नेक्स्ट आप इस एपिसोड में देखेंगे कि सानिया परेशान है कि आखिर मसला क्या है, जो ये सब कुछ जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ पर अजलान आता है और आकर बात कर रहा है बीना से कि बीना मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये बात याद रखना कि मैं सानिया से शादी नहीं करूँगा, अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा। और ये सारी बातें सानिया सुन लेती है, वो उन्हीं कदमों से वापस चली जाती है और बीना देख चुकी है कि सानिया ने सब कुछ सुन लिया है। वो अजलान के आगे हाथ जोड़ती है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें खुदा का वास्ता है, चले जाओ मेरी जिंदगी से। अजलान वहाँ से चला जाता है तो सानिया बीना के पास जाती है और पूछती है कि ये सब कुछ क्या था बीना, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें इतनी ज्यादा वीक लगी थी कि तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, या फिर मैं ये समझूं कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप रही थी कि तुम मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाह रही हो। तुम्हें पता था कि मैं पहले अजान के लिए नहीं मान रही, लेकिन जब मैंने उसे देखा मुझे उससे मोहब्बत हो गई। तुम मुझे इस सबसे पहले बता सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बताया क्योंकि तुम तो मुझे बर्बाद करना चाहती थी ना बीना, तुम्हारा यही मकसद था ना। और बीना रो रही है और कह रही है कि सानिया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचती, प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या सानिया और बीना के दरमियान में गलतफहमियां कभी दूर हो पाएंगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।